Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some basic properties of thermodynamics. So this video is very helpful to those students who wanted to prepare thermodynamics. So we talk about these topics. So first of all, I discuss the introduction and then we discuss about the importance of thermodynamics. क्या क्या थर्मोडाइनमिक्स के इम्पोर्टेंस है, तो ये इम्पोर्टेंस हमारा इंजीनियरिंग में भी आता है, तो इंजीनियरिंग में भी आता है, उसके साथ साथ आपका फिजिक्स में भी आता है और केमिकल में भी आता है. ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. देन डेफिनेशन ऑफ सम कॉमन थर्मोडाइनमिक टर्म, सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो हम बात करेंगे कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में, जिसमें पहला टर्म है सिस्टम और सराउंडिंग. उसके बाद कुछ टाइप्स के सिस्टम के टाइप्स होते हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे. तो सिस्टम में आपका होता है ओपन सिस्टम और एक क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. देन हम बात करेंगे होमोजीनियस के बारे में, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेटरोजीनियस सिस्टम. तो ये सारे सिस्टम्स किस तरीके से डिफाइन होंगे ये हम देखेंगे. देन बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के बारे में, उसके बाद स्टेट ऑफ ए सिस्टम और स्टेट वेरिएबल्स के बारे में, यानी वो वेरिएबल जिससे हम थर्मोडाइनमिक्स क्वांटिटी या थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम को डिफाइन करते हैं, वो वेरिएबल्स. थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम के अंतर्गत तीन तरह के इक्विलिब्रियम आते हैं. पहला होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, और दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम. तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इसके बाद एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी आता है थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. एंड देन थर्मोडाइनमिक प्रोसेस. सो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होने के कई तरीके होते हैं. जैसे एक तरीका है आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड देन एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर आपका आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबेरिक प्रोसेस. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट और पाथ फंक्शंस के बारे में और उनके डिफरेंशियल्स. कुछ टर्म यूज़ होते हैं जो डिफरेंशियल फॉर्म में यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी. देन हम बात करेंगे उसमें एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के बारे में, और लास्ट में फिर हम बात करेंगे जूल्स लॉ के बारे में. जो जूल्स लॉ था वो हीट और वर्क के कन्वर्जन के बारे में था. तो पहली बार जूल्स ने ही बताया था कि हीट कहीं भी, अगर हम हीट देते हैं या फिर कहीं भी वर्क डन होता है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है. तो एक तरीके से उष्मा और वर्क का वो, या कह सकते हैं कि हीट और वर्क की वो इक्विवेलेंस रिलेशन था. तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक से, और आपको बता दें कि हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो जो बेसिक चीज़ें जानना चाह रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स के लिए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये शुरुआत से है. बिल्कुल अगर आप इसमें कुछ नहीं जानते हैं फिर भी बड़े आसानी से सारी चीज़ें समझ पाएंगे. तो थर्मोडाइनमिक्स में दो टर्म होता है, एक आपका है थर्मो, और थर्मो का मतलब होता है हीट, और दूसरा एक टर्म है यहाँ पर डायनामिक्स. सो जो थर्मोडाइनमिक्स है वो दो टर्म से मिलके बना है, एक तो हमारा हीट और दूसरा है डायनामिक. और डायनेमिक्स से मतलब होता है कि मोशन, डायनेमिक्स मीन्स मोशन.
मोशन ही ट्रांसफॉर्म करता है वर्क में. सो मोशन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू वर्क. तो मोशन की वजह से हीट ट्रांसफॉर्म होती है वर्क में. तो एक तरह से हीट का ट्रांसफर होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वर्क के अंतर्गत वर्क में. तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत यही चीज़ें पढ़ते हैं कि हीट को हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वर्क में, या फिर वर्क को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं हीट में. बाद में फिर ये कहा गया कि हीट के और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे एनर्जी के फॉर्म में भी हीट आती है. तो एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स को हम इस तरह कैसे भी बता सकते हैं कि ये एक ऐसी साइंस है जहाँ पर हम हीट और अदर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये एक साइंस है जिसके बीच जिसमें हम हीट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये था कुछ इंट्रो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि यहाँ पे हम एक तरीके से हीट के ट्रांसफ़र की बात करते हैं और हीट ट्रांसफ़र होकर किस तरीके से वर्क में चेंज होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. इसके बाद आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इसे हम क्यों पढ़ें. तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा साइंस का डिपार्टमेंट है, एक तरह से साइंस है जो डील करता है केमिस्ट्री के साथ भी, इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है. तो इसका इंजीनियरिंग में भी है और उसी तरह साथ साथ फिजिक्स में भी है और उसके साथ साथ केमिस्ट्री में भी है. तो इंजीनियरिंग में हम देखते हैं, जो इंजीनियरिंग है वहाँ पे हम इंजन के बारे में पढ़ते हैं कि इंजन की एफिशिएंसी को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कितना इफ़ेक्टिव है. तो एक तरह से ये उसके बारे में आइडिया देता है. तो इंजीनियरिंग में हमारा इंजन पोर्शन, इंजन की स्टडी. तो इंजन की स्टडी में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. फिजिक्स में आपका पढ़ते हैं हीट और एनर्जी एक्सचेंज वगैरह और लाइट एनर्जी, इस सब के बारे में भी हम थर्मोडायनेमिक्स में जिक्र करते हैं. केमिस्ट्री में आता है कि कोई भी रिएक्शन कब फिजिबल होगा, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, या कह सकते हैं कि या फिर कोई प्रोडक्ट कैसे कब बनेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं केमिकल के अंतर्गत, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. अगर हम केवल इसी की बात करें तो इसके लिए एक थर्मोडायनेमिक्स आती है जिसे हम बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशंस है वो किस तरीके से चेंज होंगी. तो अगर हम केवल केमिकल बेसिस पे स्टडी करें थर्मोडायनेमिक्स को, तो उसके लिए यही आती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थर्मोडायनेमिक्स. ये इंजीनियरिंग में भी यूज़ होती है, फिजिक्स में भी काफ़ी इसके एप्लीकेशंस हैं और केमिस्ट्री में भी काफ़ी इसके एप्लीकेशंस हैं. तो अगर इतने सारे एप्लीकेशंस हैं तो इसको हम फिर शुरुआत करते हैं. तो कुछ इसमें सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे. सो डिफिनीशन ऑफ सम कॉमन थर्मोडायनेमिक्स टर्म. तो जैसे हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो पहले उसके कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करते हैं और वो टर्म्स फिर सारे उसके सिस्टम को डिफ़ाइन करता है. तो सबसे पहले सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स टर्म में हम लेते हैं पहला सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो सिस्टम और सराउंडिंग, तो सिस्टम हम यूनिवर्स में किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं जिसकी स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करने वाले हैं. जैसे यूनिवर्स का कोई भी any part of the universe can be taken as a system. और जहाँ पे हम consider क्या करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं as a system considering thermodynamically. तो considering thermodynamically.
थर्मोडाइनमिकली से मतलब बात यह है कि हम उसके प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम, इसके बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो ऐसे किसी भी पार्ट्स को हम यूनिवर्स के हम सिस्टम बोल सकते हैं। जैसे हम लोग भी एक सिस्टम की तरह हैं, और जो हमारे अलावा और जो सराउंडिंग होता है वो क्या होता है, तो सिस्टम के अलावा जितनी चीज़ें होती हैं उसे हम सराउंडिंग बोल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को छोड़कर जो भी चीज़ें आएंगी यूनिवर्स में, यानी सिस्टम्स के अलावा जो भी चीज़ें आती हैं उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो सिलेंडर का भी, तो जो सिलेंडर के अंदर गैस होती है वो एक सिस्टम को जनरेट करती है, और सिलेंडर जहाँ पे रखा है उसके आसपास का सारा जो एरिया होगा उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे, या सिलेंडर जहाँ रखा गया है वो सारा कुछ सराउंडिंग है, और सिलेंडर एक सिस्टम की तरह भी हेल्प कर सकता है। तो ये है सिस्टम और सराउंडिंग, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सराउंडिंग का सिस्टम को फ़र्क पड़ता है और सिस्टम से सराउंडिंग को फ़र्क पड़ता है। अगर सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी तो सराउंडिंग्स को वो देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है इंडोथर्मिक। तो ये दो प्रोसेस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। जब सिस्टम्स की एनर्जी ज़्यादा होती है या हीट ज़्यादा होती है तो वो ट्रांसफ़र करता है सराउंडिंग को, और अगर सराउंडिंग से पास ज़्यादा होती है इससे टेम्परेचर या एनर्जी या हीट, तो ये ट्रांसफ़र करता है सिस्टम को। तो हीट को एक तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर सिस्टम टू सराउंडिंग होगा तो हम उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और अगर सराउंडिंग टू सिस्टम हीट्स का ट्रांसफ़र होगा तो उसे हम इंडोथर्मिक बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बेसिक्स हैं। तो सबसे पहले सिस्टम सराउंडिंग था जो कि हो चुक हमने डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा टर्म्स आता है थर्मोडाइनमिक का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स के सिस्टम हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है जिसको हम अंडर कंसिडरेशन ले लें थर्मोडाइनमिकली। तो सिस्टम यहाँ पे तीन तरीके के होते हैं, एक ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, और दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो ओपन सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम क्या करता है, ऐसा कोई भी सिस्टम जो इनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज करे, तो कैन एक्सचेंज इनर्जी एंड मैटर बोथ। तो ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो तो अंडर प्रोसेस इनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं और साथ साथ मैटर भी एक्सचेंज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि किसी ओपन वेसल में कुछ इस तरह का बर्तन है जिसके अंदर हमने वाटर ले रखा है और ये इधर से ओपन है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो अंडर प्रोसेसिंग ये क्या करेगा, यहाँ से मैटर भी बाहर की तरफ जाएगा और हीट तो इनर्जी तो एक्सचेंज होगी ही। तो कोई भी ओपन कंटेनर में लिया हुआ वाटर इस प्रोसेस को शो कर सकता है, ऐसा सिस्टम को बता सकता है। तो किसी ओपन वेसल में अगर हम कोई चीज़ लिए हैं या वाटर लिए हैं, लिक्विड लिए हैं, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ इनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज होता है। उसी तरीके से क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में होता है कि वो इनर्जी तो एक्सचेंज करता है लेकिन मैटर चेंज एक्सचेंज नहीं करता। तो ये क्या कर सकता है, कैन एक्सचेंज कैन एक्सचेंज ओनली इनर्जी नॉट द मैटर। तो क्लोज सिस्टम वे सिस्टम्स होते हैं जो केवल इनर्जी को एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस बट नॉट द मैटर। तो क्लोज्ड ऐसे सिस्टम्स होते हैं जैसे पूरा सिस्टम क्लोज हो, तो उस केस में क्या होगा, केवल इनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो सेम एग्जांपल हम वैसा ही ले सकते हैं कि इस बार हम वाटर को किसी ओपन वेसल में नहीं लेंगे बल्कि पूरा पैक्ड वेसल में लेंगे जो क्लोज्ड हो पूरी तरीके से, इस तरीके से पूरा बंद हो और इसके अंदर हम वाटर को लेंगे। तो ऐसे किसी सिस्टम्स में, अब मान लीजिए ये पूरा एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है और इसके बाहर जो कुछ भी है ये सारा सराउंडिंग है,
सराउंडिंग। तो यहाँ क्या होगा कि केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लोज है। तो मैटर इन द सेंस कि जो पार्टिकल्स होते हैं वेपराइज होने के बाद या मॉलिक्यूल्स, वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे सिस्टम से सराउंडिंग को। और तीसरा एक है आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन ये बेसिक टाइप के सिस्टम है। आइसोलेटेड वो सिस्टम होता है जो ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करता है और ना ही मैटर को। सो नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करता है और ना ही मैटर को एक्सचेंज करता है। तो अब इसके लिए हम क्या लेंगे? इसके लिए हम ऐसा सिस्टम्स लेते हैं जो क्लोज तो हो ही, जैसा इसमें था क्लोज सिस्टम तो वो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ इंसुलेटेड भी हो। उसके साथ साथ कैसा हो? इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड एक तरीके से तो क्लोज्ड हो और वो पूरी तरीके से इंसुलेटेड हो, जिससे एनर्जी का भी ट्रांसफ़र ना हो। हम जानते हैं कि किसी भी इंसुलेटेड पार्ट से एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह के सिस्टम होते हैं जहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और सिस्टम्स के बारे में, जैसे एक होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमो से एक चीज़ क्लियर होती है कि कुछ सिमिलर टाइप का है। तो इसमें क्या होता है, जो भी फेज होंगे, जैसे सॉलिड लिक्विड बेस, सॉलिड लिक्विड और गैस होते हैं, तो उनका फेज जो है वो सेम रहेगा। तो होमोजीनियस इस तरह के सिस्टम्स होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेस। तो कितने भी प्रोसेस होंगे, लेकिन जो हमेशा यूनिफॉर्म रहे उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे आपको गैसेस ले सकते हो, तो जो भी कंटेनर हो उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हो सकते हैं या गैसेस भी हो सकती हैं। तो ऐसे जो गैसेस होती हैं वो होमोजीनियस के अंतर्गत में आती हैं, जो ऑल टाइम वो यूनिफॉर्म की कंडीशन में बनी रहे। और उसी तरीके से हेट्रोजीनियस ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनका एक्सपेंशन या जो अंडर प्रोसेस पूरे सिस्टम्स के अंतर्गत, वो थ्रू आउट पूरे सिस्टम में वो एक जैसा नहीं होते। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम सोच सकते हैं कि जैसे लिक्विड और गैस का मिक्सचर हो। सो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। एक तरह से दो फेज लाई करेंगे यहाँ पे, टू फेजेस, या लिक्विड सॉलिड्स का मिक्सर टाइप हो, तो जहाँ एक लेयर बीच में बन जाती है, तो पूरा जो एक सिस्टम है वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा बल्कि कुछ डिवाइड जैसा होगा। तो ऐसे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं यहाँ पे हेट्रो के लिए। उसी तरीके से है एक ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मीन्स होता है कि ये एक बड़े लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम को बताता है, या लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या आयंस। तो जहाँ कहीं हम स्टडी करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या आयंस के बारे में, तो हम बोलते हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं, जिस सिस्टम के अंतर्गत हम इनकी स्टडी करते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक कहलाता है। तो एक ये ड्रॉबैक भी होता है थर्मोडायनेमिक्स का, कि ये किसी सिंगल पार्टिकल या सिंगल आयंस के बारे में नहीं बताता है। ये एक ड्रॉबैक है थर्मोडायनेमिक्स का। ये स्टडी कराता है पूरा एक कलेक्शन या एटम्स के बारे में या नंबर ऑफ आयंस के बारे में, सिंगल के बारे में नहीं। तो ऐसे किसी सिस्टम्स को हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं, जहाँ हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या आयंस की स्टडी करते हैं। माइक्रो लेवल भी होता है, जहाँ पे हम पर्टिकुलर आयन या एटम्स की डिस्कशन कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिकल के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं
एक और थर्मोडायनेमिक टर्म्स के बारे में, जो है स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। तो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। वो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? जैसे हम कार्टेशियन में पढ़ते हैं तो हम कुछ वेरिएबल लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो एक्स वाई मानते हैं ऐसा। तो कुछ वेरिएबल लिया हमने, एक एक्स लिया एक वाई लिया इस तरीके का। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताने के लिए या थर्मोडायनेमिक सिस्टम को बताने के लिए हमें कुछ स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती है या कुछ वेरिएबल की ज़रूरत होगी जिसकी वजह से जिससे हम स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और साथ साथ एंट्रोपी भी आती है। तो ये सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहलाते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। और इन्हीं वेरिएबल से एक स्टेट जनरेट होता है। और किसी भी स्टेट को जनरेट करने के लिए कोई दो राशि भी काफ़ी होती है। जैसे केवल प्रेशर और वॉल्यूम से भी हम एक स्टेट बता सकते हैं, या वॉल्यूम और टेम्परेचर से भी स्टेट बता सकते हैं, या एंट्रोपी और टेम्परेचर के साथ भी स्टेट बता सकते हैं। तो कोई दो वेरिएबल्स काफ़ी होते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताने के लिए। तीसरे को हम या कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल एक तरह से इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे पी और वी को ले, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पे डिपेंड पड़ता है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करता है। तो एक तरीके से प्रेशर पे ये टर्म डिपेंड करता है। तो जहाँ डिपेंडेंसी आती है तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कुल मिला के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। और फिर अगर हमें स्टेट बताना हो तो स्टेट हम बता सकते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स को चूज़ करके, और अदर टर्म्स को हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं किसी भी सिस्टम के स्टेट को और साथ साथ उसके वेरिएबल्स को। देन फिर आता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अक्सर हम बात करते हैं कि कोई भी सिस्टम कब स्टेबिलिटी की कंडीशन में आएगा, तो वो कंडीशन तभी आती है जब वो इक्विलिब्रियम में हो। तो जब इक्विलिब्रियम की बात आती है तो इक्विलिब्रियम में आते हैं तीन तरीके के इक्विलिब्रियम। एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और साथ साथ है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसा कि क्लियर होगा कि जब टेम्परेचर किसी भी दो सिस्टम्स का सेम हो जाता है, जहाँ कहीं भी टेम्परेचर किसी भी दो सिस्टम्स के लिए सेम हो जाए तो वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम आता है। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर टेम्परेचर एक तरह से कांस्टेंट हो जाए। किसी भी सिस्टम्स का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए तो हम कहते हैं कि दोनों सिस्टम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है। तो यानी कि एक तरह से पहले सिस्टम का टेम्परेचर और दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब आता है जहाँ पर कोई भी वर्क डन ना हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब होगा जब वर्क डन एक तरीके से ज़ीरो रहे। और तीसरा आता है केमिकल कंपोजिशन। तो ये टाइम के साथ कोई भी चेंज ना हो तो उसे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उसी तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम हम तब बोलते हैं जब नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, तो टाइम के साथ अंडर प्रोसेसिंग, टाइम के साथ उनके केमिकल कंपोजिशन में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि जो सिस्टम था वो केमिकली इक्विलिब्रियम में था। इस तरीके का हो सकता है।
उसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो थर्मोडायनेमिक के अंदर में ये दो प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक तरह से एक्सटेंस दिख रहा है, यानी कुछ है एक्सटर्नल टाइप का, और ये इंटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है क्वांटिटी पर। क्वांटिटी क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के क्वांटिटी या मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। मैटर की क्वांटिटी, जैसे कि अगर हम बात करें मास, तो मास एक तरह से उसकी क्वांटिटी को बताता है। मास कह सकते हैं, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें, या इसके साथ साथ का एनर्जी भी आ जाएगा। एनर्जी तो मास, वॉल्यूम और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटी से मेज़रमेंट होती हैं। देन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नेचर के बारे में बताता है, और नेचर फिर हम डिसाइड करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और, अरे वॉल्यूम नहीं आएगा, प्रेशर और टेम्परेचर। तो इसका एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे ये इसका एग्जांपल था, तो प्रेशर हो जाएगा आपका, टेम्परेचर हो जाएगा, सरफेस टेंशन। तो ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं, जो बाहर से इफेक्टिव नहीं कर सकते हम, इसको इंटरनली हम मेज़र करते हैं, बाहर से हम इसका मेज़र नहीं कर सकते। या इसके साथ साथ विस्कोसिटी भी आती है, विस्कोसिटी। तो ये सारे टर्म आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत में कुछ प्रोसेस आते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो चार तरीके के प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड देन एडियाबेटिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस, और साथ साथ आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल, जैसा कि आइसो से मतलब होता है इक्वालिटी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो ऐसा कोई प्रोसेस जहाँ प्रोसेस के दौरान, जैसे प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस होता है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कहीं जाएं, जैसे सपोज़ करिए कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कहीं यहाँ से और पहुँच गए यहाँ पे, तो इस प्रोसेसिंग के दौरान ए टू बी कोई प्रोसेस हो रहा है, किसी भी पाथ के थ्रू हो रहा हो वो, लेकिन सभी पाथ के दौरान अगर टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसे सिस्टम में हम आइसोथर्मल कैसे मैनेज करते हैं, उसमें इस तरह से होता है कि इसमें हीट का जो ट्रांसफ़र है वो स्लोली स्लोली होता रहता है। तो अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो तुरंत हीट या तो सिस्टम से सराउंडिंग को चली जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम को आ जाएगा। तो इस दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है, जिससे कि ये हमेशा कॉन्स्टेंट बना रहता है। तो जब भी कभी सिस्टम या सराउंडिंग में डिफरेंस आएगा तो आपस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे कि टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट बना रहता है, और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक इंसुलेटेड टाइप का होता है। तो यहाँ पर हीट जो है कॉन्स्टेंट रहती है,
कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो प्रोसेस के दौरान जिस प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहे उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग को हीट जाती है और ना ही सराउंडिंग से हम सिस्टम में हीट को आने देते हैं। तो एक तरह से ये पूरी इंसुलेटेड व्यवस्था होती है, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग को जाता है हीट, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम्स को तरफ आती है। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और आइसोबेरिक प्रोसेस में जो सिस्टम होता है उसका प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए कायदे से। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो पूरे प्रोसेस के दौरान ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तब हम ऐसा बोलेंगे कि वो आइसोबेरिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शन के बारे में। तो स्टेट एंड पाथ फंक्शन, स्टेट एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उन्हें स्टेट फंक्शन बोलते हैं, और उस प्रोसेस या उस मैनर पे डिपेंड नहीं करते कि वो प्रोसेस किस पाथ के थ्रू हुआ है या किस मैनर से हुआ है। इसे सपोज़ करिए कि हम किसी सिस्टम या किसी स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहे हैं, और ये एक तरह से यहाँ पे आपका वॉल्यूम हो गया और इधर की तरफ प्रेशर। अगर हम इस तरह से दिखाएं डिफरेंट डिफरेंट पाथ से, तो ए टू बी या एक इस तरह का पाथ या फिर एक इस तरह का पाथ, सपोज़ करिए सी है, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। तो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जो वर्किंग वर्क हो रहा है वो इस तरह का हो रहा है कि स्टेट ए से हम स्टेट बी में जा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो केवल स्टेट, एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल स्टेट, और ये है हमारा फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि वो किस तरीके से ए से बी पे गया, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे एनर्जी, एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन होता है, एनर्जी को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी भी इसके अंतर्गत आती है, तो इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन में आता है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन के साथ साथ जो एनर्जी टर्म है हमारा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होता है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे डिफरेंशियल्स के बारे में भी। जो स्मॉल टर्म हम यूज करते हैं ई के लिए डी, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन एनर्जी डी, ऐसी को हम डिफरेंशियल भी बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी, डिफरेंशियल ऑफ, डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी।
और जो स्टेट फंक्शन होते हैं उन्हें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, और जो पाथ फंक्शन होते हैं उन्हें हम इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो डिफरेंशियल होते हैं जो इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, जैसे एनर्जी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद इन लिमिट, सपोज करिए E1 से E2, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है E2 माइनस E1। तो इस तरीके से हम एनर्जी को लिख सकते हैं और इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और पाथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम किस पाथ के थ्रू गए हैं। तो पाथ फंक्शन को हम बोलते हैं इन एग्जैक्ट। पाथ फंक्शन के एग्जांपल्स में आते हैं वर्क, और इसके साथ साथ चूंकि हीट जो है वो डिपेंड करता है कि कितना वर्क हुआ, तो वर्क के हिसाब से हीट भी चेंज होती है। तो जैसे जैसा बिहेवियर वर्क का होता है उसी तरीके से हीट का भी होता है। तो ये दोनों आते हैं पाथ फंक्शन के अंतर्गत। तो वर्क और हीट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये दोनों ही पाथ फंक्शंस होते हैं। और ये जो है एनर्जी जो टर्म्स हैं वो स्टेट फंक्शन होते हैं, यानी वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वर्क और हीट पाथ पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, और जो वर्क और हीट होता है इसको हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। तो ये इस तरीके के डिफरेंशियल्स होते हैं जिनको हम इंटीग्रेटेड आउट नहीं कर सकते विद इन लिमिट। सो ऐसे डिफरेंशियल्स जो इंटीग्रेशन नहीं किए जा सकते, यानी हम वर्क और हीट के लिए इस तरीके से नहीं लिख सकते कि कुछ W1 टू W2 dW इक्वल्स टू W2 माइनस W1, या उसी तरीके से हम इसको हीट के लिए भी नहीं लिख सकते H1 H2 यहाँ पे DH और H2 माइनस H1। ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये पॉसिबल है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जिसे बोलते हैं हम सिर्फ उसको इस तरीके से इंटीग्रेटेड आउट कर सकते हैं विद इन लिमिट, लेकिन वर्क और हीट को हम ऐसा नहीं लिख सकते जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स को हम इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। इन एग्जैक्ट से मतलब है जो एग्जैक्टली डिफरेंशियबल ना हो पाए, इन एग्जैक्ट। तो ये सारी राशि इस तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, काफ़ी पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारा एक टॉपिक बच रहा है जूल्स लॉ, तो जूल्स लॉ को हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, एंड देन सारे लॉ आएंगे, जीरोथ लॉ वगैरह। तो जूल्स ने बताया था सबसे पहले, जूल्स लॉ जनरली हम देखते हैं ऐसा कि जितना हम वर्क करते हैं उसकी इक्वल अमाउंट में हीट जनरेट हो जाती है। जनरली क्या होता है कि जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है एक तरीके से हीट जनरेशन। तो जितना हम काम करते हैं वो एक तरीके से हीट जैसा जनरेट हो जाता है, या हीट में प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसी टर्म से उनको लगा जूल्स को, तो उन्होंने 1840 से लेकर 1880 के बीच, करीब 1840 टू 1880
के बीच उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि जो वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, ऐसा, यानी जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के, कुछ इसी बेसिस पे कि जितना भी वर्क डन हम करते हैं वो उसी अमाउंट, उसी सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट क्यू। और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट यूज़ किया जे, जिसे बाद में उन्हीं के नाम पे जूल कांस्टेंट कहा गया। सो जे इज़ नोन एज जूल कांस्टेंट, जूल कांस्टेंट, जूल कांस्टेंट। सो एक तरीके से ये यूनिट भी होता है वर्क का। और ये रिलेशन काफ़ी बेसिक रिलेशंस है, अगर हमें वर्क को हीट में चेंज करना है या हीट को वर्क में चेंज करना है तो इसको एक तरीके से इक्विवेलेंस लॉ भी बोलते हैं बिटवीन हीट एंड वर्क। सो दिस इज़ आल्सो नोन एज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस लॉ बिटवीन हीट एंड वर्क। तो सबसे पहले जूल्स ने ही बताया था कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट। सो उसको हम आपस में चेंज कर सकते हैं इस रिलेशन के थ्रू। और एक यूनिट होता है जो अक्सर इसमें यूज होता है, जैसे एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं हम कैलोरी। सो वन कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल। ये यूनिट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेशन हम जब भी हम करते हैं तो इस तरीके का नोटेशन हम यूज करते हैं कैलोरी या जूल को। तो ये सारी वीडियोस का एक ही मकसद था पूरा, कि हम बेसिक चीज़ को जानें पूरे डिस्क्रिप्टिव तरीके से। तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप इसमें फिर से कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा इसे डिस्कस कर लेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, सारी चीज़ें बेसिक से ही थी, तो लगभग सब क्लियर हो जाना चाहिए। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।